ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। अब देखिए बिग आईपी का जो फंक्शन है वो तो सेम रहेगा, जो बिग आईपी के कमांड्स बताए, अपग्रेडेशन हो गया, वो सब सेम रहने वाला है पहले की तरह, कोई चेंज नहीं है। अभी हमें जीटीएम का फंक्शन समझना है, मेजर वो है कि जी हाउ जीटीएम वर्क्स, रोल क्या है उसका, वो चीजें समझने की जरूरत है। तो देखिए अगर जीटीएम की बात करें, पहली बात तो अभी ये रीनेम हो गया, पहले जीटीएम बोलता था F5 को, अब इसको डीएनएस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डीएनएस? वो भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम बिग आई पी डीएनएस की बात करें, और ऑल्सो नोन एज बिग आई पी जीटीएम, पहले जीटीएम बोलते थे, अभी इसको हम बिग आई पी डीएनएस बोलते हैं। तो बिग आई पी डीएनएस की आप जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे डीएनएस का जो रोल होता है ना, वो डीएनएस सर्वर वाला होता है, डीएनएस सर्वर, यही काम है इसका। तो अगर आपको डीएनएस सर्वर का जो फंक्शन होता है वो आता है आपको, तो आप इजीली जीटीएम को भी समझ सकते हो। तो ये जो आपका डीएनएस सर्वर होता है, ये वो वाला रोल प्ले करने वाला है, लेकिन साथ में लोड बैलेंसिंग भी मिलती है, मॉनिटरिंग भी मिलती है। इसीलिए इसको जो F5 है वो बोलता है इंटेलिजेंट लोड, इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर, ये इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर होता है। अगर हम बिग आई पी डीएनएस की बात करें, ये ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर की तरह नहीं है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी आप डीएनएस सर्वर बना सकते हो, इनफैक्ट है भी यहाँ पे, अगर आप देखोगे डीएनएस सर्वर 1, डीएनएस सर्वर 2 दो लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे डायग्राम में, बट उसके आगे बिग आई पी डीएनएस को भी रखा है। ये इसलिए बनाया है यहाँ पे जिससे कि आपको माइग्रेशन थोड़ा मैं बता पाऊँ कि ट्रेडिशनल से अगर आपको बिग आई पी डीएनएस पे जाना हो तो किस तरीके से जा सकते हो आप, तो इसलिए इन चीजों को रखा है यहाँ पे। तो बिग आई पी डीएनएस का जो रोल है वो डीएनएस सर्वर वाला ही है, बट इट हैज गॉट मोर इंटेलिजेंस। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर की बात करोगे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर की बात कीजिए आप, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर की बात करोगे तो वहां पे आप होस्ट ए एंट्री क्रिएट करते हो, या सी नेम करेंगे, या फिर इस तरीके से आप एंट्रीज क्रिएट करते हो, एमएक्स रिकॉर्ड क्रिएट करोगे डीएनएस में, डीएनएस सर्वर के ऊपर। तो जब ये माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर रिजोल्यूशन करता है तो ये कभी भी ये चेक नहीं करता कि जो आईपी ये रिजोल्व करके दे रहा है डीएनएस रिस्पॉन्स में, क्या वो आईपी एड्रेस रीचेबल है, वो ये सब वैलिडेट करता नहीं है। और वही प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर है, इसको मैंने दो आईपीज दे दिए, एक मेरे प्राइमरी डीसी का आईपी दे दिया, एक सेकेंडरी डीसी का, किसी एक एप्लीकेशन के लिए। तो जब क्लाइंट पीसी से रिक्वेस्ट जाएगी, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने कुछ मतलब प्राइमरी डीसी का आईपी एड्रेस इसने डीएनएस रिस्पॉन्स में दिया क्लाइंट को, तो प्राइमरी डाउन है, और तो ये कभी जो ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर है वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता, ये मॉनिटरिंग सपोर्ट करता ही नहीं है। तो इट विल कीप ऑन गिविंग द सेम आईपी एड्रेस इन डीएनएस रिस्पॉन्सेस, यही प्रॉब्लम है। प्लस अगर आपको इंटेलिजेंट वे में लोड बैलेंसिंग चाहिए तो वो भी ये सपोर्ट नहीं करता। तो F5 ने फिर अपना एक इंटेलिजेंट डीएनएस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया, जिसको अभी ये लोग बोलते हैं बिग आईपी डीएनएस, या फिर इसी को आप बोलोगे बिग आईपी जीटीएम। तो इस टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे, क्योंकि यही टोपोलॉजी हमें यूज करनी है बिग आईपी डीएनएस को कवर करने के लिए, इस मॉड्यूल को कवर करने के लिए। तो एक तो ये डीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें कि एक बिग आईपी डीएनएस है और ये दो ट्रेडिशनल सर्वर लगे हुए हैं, और इसको ऐसा मान लीजिए कि ये आपके, मान लीजिए किस क्लाउड में लगा दिया आपने, क्लाउड में था आपके डीएनएस सर्वर भी, क्लाउड में होस्टेड है, और बिग आईपी डीएनएस भी आपका क्लाउड में होस्टेड है, ऐसा मान लीजिए आप। बाकी ऑन प्रेम आपके दो डीसीज हैं, एक DC1 है आपका ये यहाँ पे, और नीचे इसके जस्ट नीचे ही DC2 है। ये दो अलग अलग फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं, हो सकता है ये आपका क्या हो प्राइमरी डीसी, और ये आपका क्या हो सेकेंडरी डीसी, हो सकता है, या जिसको आप DRDC बोलते हो, तो वो है। तो प्राइमरी डेटा सेंटर है आपका, और एक ये आपका सेकेंडरी डेटा सेंटर रहेगा यहाँ पे, करेक्ट? या करेक्ट या और दोनों में एप्लीकेशन होस्ट करेंगे आप, और फिर जो डीएनएस रेजोल्यूशन कराओगे आप क्लाइंट्स के लिए, वो बिग आई पी डीएनएस से कराएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ से हम दोनों डीसीज के जो एलटीएम से उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एलटीएम लगा हुआ है, एलटीएम जरूरी नहीं होता हमेशा एलटीएम से ही इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे थर्ड पार्टी लोड बैलेंसर भी हो सकता है, जैसे सिट्रिक्स, वो भी हो सकता है, और कई बार आपके स्टैंड अलोन सर्वर्स होंगे। तो जब मैं स्टैंड अलोन बोलता हूँ तो मतलब उनसे पहले लोड बैलेंसर नहीं लगा होगा,
तो डायरेक्टली आप सर्वर के आईपी में रिजॉल्व कराएंगे तो वो भी पॉसिबल है। तो थर्ड पार्टी लोड बैलेंसर भी इंटीग्रेट कर सकते हो, डायरेक्टली जो स्टैंड अलोन सर्वर है उनके आईपी को भी रिजॉल्व करवा सकते हो आप बिग आईपी डीएनएस से। तो जरूरी नहीं है कि खाली लोड बैलेंसर को ही इंटीग्रेट करेंगे, एलटीएम मॉड्यूल को ही इंटीग्रेट करेंगे बिग आईपी डीएनएस के साथ, वैसा नहीं। तो एलटीएम लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे DC1 में भी एक एलटीएम लगा हुआ है और एक DC2 में भी एलटीएम लगा हुआ है। ये एज राउटर्स हैं यहाँ पे, ये DC1 का एज राउटर है, ये DC2 का एज राउटर है, राइट। यहाँ से रिक्वेस्ट अपने अपने लोड बैलेंसर पे जाएगी और उसके बाद आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अपने सर्वर्स के बीच में, कुछ इस तरीके से। यस सर। सो एक क्वेरी था। सो जनरली ये जो GTM मॉड्यूल या DNS मॉड्यूल जो रहता है वो हमेशा अलग से डिप्लॉय होता है या LTM के साथ भी एक ही बॉक्स पे हो सकता है? जो देखिए होने को आप कर सकते हो, ठीक है मंदार, एक ही बॉक्स पे एलटीएम डीएनएस आप कर सकते हो, बट वो कभी भी एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन में आता नहीं है। जैसे अगर हम एलटीएम की बात करें, एलटीएम के साथ अगर आप एएसएम मॉड्यूल जिसको वैफ बोलते हैं, राइट, करेक्ट। वो कोएग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसको आप एक ही बॉक्स पे रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट साथ में अगर AFM चलाना हो तो चला सकते हो, फायरवॉल मॉड्यूल एक ही बॉक्स के ऊपर ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डीएनएस को कभी रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो आप एलटीएम के साथ एक ही बॉक्स पे प्रोविजन करें, इसकी प्रोविजनिंग हमेशा एक डिफरेंट डब्बे पे होनी चाहिए, क्योंकि डीएनएस इज वन ऑफ लाइक क्रिटिकल और बैकबोन ऑफ योर नेटवर्क। बैकबोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर डीएनएस डाउन होगा तो सब कुछ ही डाउन हो जाएगा ना, कोई एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगी नहीं एंड करेक्ट यूजर को, तो करेक्ट। इसलिए इसको अलग ही रखा जाता है डीएनएस को। तो इसलिए हमारे डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो एलटीएम है दोनों डीसीज में, और फिर यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो जीटीएम है, जीटीएम। तो ये चीजें हैं इसमें, तो ये बिग आईपी डीएनएस है यहाँ पे, और बिग आईपी डीएनएस को ही एज ए डीएनएस सर्वर हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो ये चीजें हैं, मैं आपको एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा डीएनएस वाला, उसके बाद आगे बिग आईपी डीएनएस की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए अब आप, ये जितना भी बेसिक्स है ना वो सारा बाईपास करने वाला हूँ, क्योंकि एलटीएम में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जीटीएम में दोबारा उन छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है। बस आपको बताऊंगा क्या क्या रिवीजन है यहाँ पे, जैसे ये पैकेट बेस्ड वर्सेस फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर, राइट, बताया था ना आपको। करेक्ट हाँ, तो पैकेट बेस्ड में आपका आ जाता है जैसे राउटर, इसमें कि आपके पास पैकेट आया और आपने उसको आगे फॉरवर्ड किया। और फुल प्रॉक्सी में क्या होता है कि कनेक्शन टेबल अलग अलग बनते हैं, क्लाइंट साइड में अलग कनेक्शन टेबल बनेगा और सर्वर साइड में एक अलग कनेक्शन टेबल बनेगा, तो उसमें इसके पास एक कंप्लीट विजिबिलिटी भी मिल जाती है फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर में, ट्रैफिक को आप देख सकते हो। और वेफ तो काम ही तब करेगा ना प्रॉपरली जब आप यहाँ पे क्या कराएंगे, डिक्रिप्शन कराएंगे, SSL डिक्रिप्शन कराना पड़ता है आपको। डिनाई बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है बिग आईपी का, बताया था कि अगर जैसे एलटीएम की भी बात की थी कि अगर कोई ट्रैफिक आया, पैकेट आया, तो अगर वो मैच नहीं करता है, मान लीजिए किसी वर्चुअल सर्वर से, तो स्टैटिक नेट देखेगा वहां पे भी मैच नहीं करेगा, तो सेल्फ आईपी देखेगा वहां से भी मैच नहीं करेगा, तो फिर पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा। तो डिफॉल्ट जो होता है वो डिनाई होता है बाई डिफॉल्ट बिग आईपी के अंदर। आपको बताया था कि एक बिग आईपी रहेगा, बिग आईपी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टीमोस होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और F5 का जो बिग आईपी होता है वो वर्चुअल एडिशन भी आता है, फिजिकल भी आता है, और उसके ऊपर फिर आपका यू नो बिग आईपी के ऊपर फिर आपके ऊपर है कि आप कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यू कैन हैव लाइक LTM, DNS, एडवांस्ड WAF, APM, सिक्योर वेब गेटवे या AFM, इनमें से कोई भी आप मॉड्यूल पिक कर सकते हो दैट यू कैन डिप्लॉय ऑन टॉप ऑफ बिग आईपी। तो ये LTM में भी बताया था मैंने आप लोगों को। फिर एडमिनिस्ट्रेशन GUI से भी होता है, CLI से भी, CLI में दो तरीके आ जाते हैं, एक TMSS से भी होता है, राइट, और एक लिनक्स वाले CLI से होता है, करेक्ट। बैश या हाँ, तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ऐप से कैसे मैनेज करना है वो बता चुका हूँ आपको। फिर उसके अलावा बिग आई पी जो इनिशियल सेटअप है बता चुका हूँ, एक दो बार तो कराया भी था ना, दोनों बिग आई पी को जब हमने ऑनबोर्ड किया था LTM वाले सेशंस में, तब बताया था कि मैनेजमेंट पोर्ट से एक्सेस कीजिए, फिर उसमें लाइसेंस इंस्टॉल कीजिए, फिर प्रोविजनिंग कीजिए, फिर डिवाइस सर्टिफिकेट आता है, फिर प्लेटफॉर्म की प्रॉपर्टी आती है, और उसके बाद या तो यहीं पे एंड करके और फिर बाद में जो करना है वो कीजिए,
नहीं तो प्रोसीड फर्दर करके तो फिर आप VLAN, NTP, DNS, HA वो सब भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसमें, बट एक्टिवेशन के बाद भी आप यहाँ पे एंड कर सकते हो, और उसके बाद अपना जो जरूरत है वो कॉन्फ़िगरेशन कीजिए आप। तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनिशियल सेटअप कैसे होता है, फिर यहाँ पे ये डिफरेंट टास्क है, FI, Dev Central, BIG-IP, हेल्थ, आई हेल्थ एक पोर्टल होता है। तो अगर आप आस्क F5 की बात करोगे तो यहाँ पे नॉलेज बेस है आपका, मैनुअल्स मिलेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी, नॉन इश्यू सॉल्यूशन, सिक्योरिटी एडवाइजरीज, वो सब आपको आस्क FI पे मिलेगा। डेव सेंट्रल जो इनका पोर्टल है, ये एप्लीकेशन डिलीवरी एक्सपर्ट के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, विकी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो चीजों को, कम्युनिटी फोरम है, आई रूल्स, आई एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से। आई हेल्थ में मेनली डायग्नोस्टिक्स का है इस पोर्टल के ऊपर, आपको क्योंकि व्यू डाउनलोड करना है बिग आई पी से, और इधर अपलोड करके आप उसका हेल्थ मेजर कर सकते हो अपने बिग आई पी का। तो ये अलग अलग पोर्टल्स हैं F5 के। तो ये आस्क FI.com हो गया, डेव सेंट्रल एक अलग पोर्टल हो गया इनका, या एप्लीकेशन ही बोलूंगा मैं तो खैर, और एक आई हेल्थ अलग से हो गया। अब जब आप बिग आई पी फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं तो आपसे पूछता है वो सारी चीजें कि आपका लाइसेंस, सबसे पहले तो लाइसेंस इंस्टॉल कराएगा आपसे जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं PIP के ऊपर, और वो मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। बैकअप वगैरह लेना ऑलरेडी बता चुका हूँ LTM में, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। अब DNS की बात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ से अब हमारी चीजें स्टार्ट होंगी, या जो न्यू चीजें हैं वो स्टार्ट होंगी। DNS का एवोल्यूशन क्यों हुआ, देखिए सबसे पहले तो IP एड्रेस से ही एक्सेस कर रहे थे लोग सब कुछ, कि ठीक है जी करेक्ट एक्सेस करना है तो आईपी एड्रेस यूज कीजिए, है ना, सब कुछ आईपी एड्रेस से ही चल रहा था। धीरे धीरे जब नंबर ऑफ आईपीज बढ़ते चले गए तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया मैनेजमेंट, लोगों को याद रखना मुश्किल हो गया आईपी एड्रेसेस को। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए ये लोग लेकर के आए होस्ट फाइल, क्या लेकर के आए, होस्ट फाइल। होस्ट आइडियली फाइल हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होस्ट फाइल का ऑप्शन होता है, जैसे विंडोज में होता है कि आप होस्ट फाइल ओपन कीजिए और होस्ट फाइल में जा करके एंट्री क्रिएट कर दीजिए कि ये नेम के आगे ये आईपी एड्रेस है, ये नेम के लिए ये आईपी एड्रेस है, ये नेम के लिए ये आईपी एड्रेस है। मतलब होस्ट फाइल में क्या होता है कि आप एंट्री क्रिएट कर देते हो कि इस नेम, जैसे www.google.com और आगे उसका आईपी डाल दीजिए, बस हो गया काम। तब आपके पीसी को करेक्ट पता है कि इस नेम पे जाने के लिए आईपी एड्रेस यूज होगा, तो उसको होस्ट फाइल बोलते हैं। होस्ट फाइल आप लिनक्स मशीन पे, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें भी आप देखोगे, विंडोज में देखोगे, मतलब आइडियली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको होस्ट फाइल देखने को मिल जाएगा। अब आइडियली क्या है कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट, अब कितने थाउजेंड, 100,000, डोमेन आ गए। पहले तो ठीक है हंड्रेड्स में डोमेन्स थे या फ्यू डोमेन्स थे, तो इट वॉज इजी टू मैनेज थ्रू दी होस्ट फाइल, कर सकते थे मैनेज। बट अब क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, आपको, हमें पता भी नहीं होता कब कौन से डोमेन रजिस्टर हो जाते हैं, तो कितना होस्ट फाइल को बनाएंगे, कितना होस्ट फाइल को अपडेट करेंगे, राइट। तो एक सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन की जरूरत थी, तो एक सोल्यूशन की जरूरत थी जिसका रोल हो या जो करे नेम को आईपी में रिजोल्व करे। तो वहां पे ये डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम आया, और ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है DNS अपने आप में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हायरार्की होती है DNS की, एक रूट रूट सर्वर्स होंगे आपके, डॉट को रूट सर्वर बोला जाता है, इसे जो डॉट दिखाई दे रहा है ना ऊपर, या या इसको रूट बोला जाएगा। अब ये मैक्सिमम जो रूट सर्वर्स है ना अमेरिका में रखे हुए हैं, अमेरिकन ओके यूनिवर्सिटी एक इसको मैनेज करती है, और भी देख सकते हो आप, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, अगर रूट सर्वर्स की बात करोगे ना, DNS रूट सर्वर लिस्ट, आयना की वेबसाइट पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, आप जाइए आयना में, तो ये सारे के सारे रूट सर्वर्स हैं। तो ओके वेरी साइन जो कि एक उनका टेलीकॉम प्रोवाइडर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, कोजेंट कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, नासा, राइट, इंटरनेट सिस्टम कंसोर्टियम, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो आर्मी रिसर्च, ये सभी अलग अलग रूट सर्वर्स हैं ये। तो करेक्ट ये रूट सर्वर्स मतलब आप समझ लीजिए DNS का जो रूट है, रूट कहाँ पे है, US में, यूएस में ठीक है। तो ये रूट सर्वर्स हैं, और इन ये रूट के लिए रूट सर्वर्स होंगे, राइट, इसको रूट डोमेन भी बोलते हैं, है ना।
डॉट को, डॉट खाली डॉट को रूट डोमेन बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके हैं सब डोमेन्स, या फर्स्ट सेकेंड लेवल डोमेन भी बोलते हैं इनको। रूट डोमेन के बाद क्या आता है, तो रूट डोमेन हो गया, उसके बाद सेकेंड लेवल डोमेन, या इसी को सब डोमेन बोलेंगे, जैसे डॉट कॉम, डॉट ईडीयू, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, इनको सब डोमेन बोला जाता है, ठीक है, डॉट कॉम, डॉट ईडीयू। और इन सब डोमेन्स की भी लिस्ट है, निकालना है निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे डोमेन रूट सर्वर्स हो गए, यहाँ पे अगर आप देखोगे हो गए आपके डॉट, ये तो आए ना, आए ना के बाद सब डोमेन हो गए। अब सब डोमेन का इन्होंने मैनेजमेंट नहीं दिया है यहाँ पे ना, यहाँ पे जाके देख सकते हो वैसे आप, बट लिस्ट होती है इनके पास यहाँ पे। आई डोंट नो, आए ना टॉप लेवल डोमेन्स देख लेते हैं ना एक बार, ये है शायद, तो ठीक है, डॉट इन भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ये यहाँ आपको दिख जाएगा, ये है दिए हुए डॉट सिस्को के, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया कह देंगे, बाकी डॉट कॉम वगैरह वो भी दिख जाएंगे, यही है टीएलडी आपके, है ना। इसमें सब रहता है, मीन्स कंट्री वाइज भी रहेगा, लाइक डॉट यूएस, डॉट हाँ, ईयू, सब कुछ समथिंग सब इन कुछ दैट, दिखा देगा आपको, डॉट सब कॉम, कुछ, डॉट ऑर्ग। ओके पूरा इंफॉर्मेशन देगा आपको, कौन कौन से टीएलडीज हैं और पर्पस क्या है उनका। जैसे डॉट कॉम जो होता है ना इंडियली, वो कमर्शियल के लिए होता है, अगर आप करेक्ट। देखोगे तो वो कमर्शियल के लिए यहाँ पे दिखा भी देगा डॉट कॉम, और आप सर्च भी कर सकते हैं उसको। ना जेनरिक वेरीसाइन ग्लोबल रजिस्ट्री सर्विसेज, ये मैनेज कर रहा है इस टीएलडी को। ओके और कुछ स्पेसिफिक, इवन कंपनी बेस भी दिख रहे कुछ, जैसे हाँ बनाए, डिज्नी बनवाए डॉट हुए ए इन्होंने बी सी अपना, हाँ बिल्कुल होगा, कंट्री स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक सब मिलेगा आपको। जैसे ये एसेंचर पीएलसी का देखिए, डॉट एसेंचर आ गया ना, करेक्ट। या डॉट डिज्नी एबीसी हो गया, डिज्नी एंटरप्राइजिंग डॉट एबीसी, तो है अलग अलग उधर किया हुआ है इन लोगों ने, डॉट अलीबाबा भी है देखिए, करेक्ट। डॉट एक ये है एयरटेल, एयरटेल के लिए, तो है इन लोगों के अपने टीएलडीज, टॉप लेवल डोमेन या सब डोमेन जिसको हम बोलेंगे, तो ये है डेटाबेस टीएलडीज का। वापस आते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट लेवल डोमेन डॉट कॉम डॉट ईडीयू, तो ये टीएलडीज। अब ये जो टीएलडी मैनेज करते हैं ना, इनके पास जो नेक्स्ट आपके सब डोमेन्स हैं, ये मल्टीपल लेवल होंगे ना सब डोमेन के, अब तो एडिशनल सब डोमेन भी होंगे ना, करेक्ट। जैसे fi.com हो गया, sisco.com हो गया। करेक्ट। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए डॉट कॉम वाला टीएलडी है आपका डॉट कॉम, अब इस डॉट कॉम में जितने भी डॉट कॉम वाले आपके डीएनएस सर्वर्स होंगे, जैसे fi मैनेज कर रहा है fi.com के लिए, सिस्को मैनेज कर रहा है sisco.com के लिए, है ना, उन सबका डेटाबेस कहाँ पे रहेगा, इस टीएलडी जो आपका यू नो डॉट कॉम वाला जो टीएलडी है ना, यहाँ पे इसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि हु इज द ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर फॉर fi.com, हु इज द ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर फॉर cisco.com, राइट, वो पूरा डेटाबेस कहाँ पे रहेगा, डॉट कॉम के पास। जैसे रूट डोमेन के पास अब इसको पता है ना कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ डॉट कॉम, व्हाट व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ डॉट ईडीयू, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ डॉट नेट, रूट के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो रूट इज मेंटेनिंग द होल डेटाबेस ऑफ टीएलडीज, करेक्ट। करेक्ट। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ईच टीएलडी जिसको आप टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, ईच टीएलडी जितने भी ये टीएलडी हैं, जितने भी ये डोमेन है डॉट कॉम डॉट ईडीयू, इनको डोमेन भी बोलोगे आप। करेक्ट। अब हर एक डोमेन के पास उसके जितने भी सब डोमेन्स होंगे, जैसे डॉट कॉम एक डोमेन है, डॉट कॉम क्या हो गया एक डोमेन, अब सब डोमेन में क्या जाएगा, जैसे fi.com, cisco.com, राइट, ये सारी चीजें, तो वो पूरा डेटाबेस ये किसके पास रहने वाला है, टीएलडी के पास, क्लियर है सर, कि डॉट कॉम के पास हाँ, जितने भी डॉट कॉम, जी बोलिए। एक क्वेरी था, जैसे जस्ट अभी जो टीएलडी का लिस्ट देखा उसमें से क्वेरी आया, जैसे वहाँ पे एक एयरटेल का टीएलडी था। जी ओके, अब हम
यहाँ पे इंडिया में अगर यूज करते हैं तो इट डोमेन इज लाइक एयरटेल डॉट इन, तो उसका टीएलडी होगा डॉट इन। हाँ डॉट कॉम भी होता है, एयरटेल डॉट कॉम भी होता है, इज एयरटेल डॉम। डॉट कॉम, हाँ तो करेक्ट ये मीन्स। तो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसको कौन से तरीके से एक्सेस देना चाहते हैं। अब उनकी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी होंगे जो डॉट एयरटेल से खुलते होंगे। ओके मीन्स इंटरनल, लाइक पब्लिकली तो हमें पता नहीं है कि डॉट एयरटेल का हम लोग, हाँ मैंने तो मतलब कभी देखा आप, नहीं है। मैंने भी नहीं देखा, बट मैंने देखा है कि कंपनियों का लास्ट में लगा हुआ है ये सब नेम वगैरह ना, मैंने देखा है ऐसे बहुत हाँ सारे डोमेन्स हैं, होते हैं, लोग करते हैं, उनको पब्लिकली होस्ट कर देते हैं, बट वो कम ही लोगों को पता होता है। आइडियली लोगों को आदत वही होती है डॉट कॉम देखने की, या डॉट इन देखने की आदत होती है, डॉट ओ आर जी देखने की आदत होती है, राइट। ओके 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 हाँ डॉट गॉव है ना, डॉट गॉव डॉट इन ये भी होता है ना, डॉट गॉव डॉट इन ऐसे करके। डॉट जीओवी, वो तो गवर्नमेंट रिलेटेड रहती है यस वेबसाइट्स यस के लिए, यस राइट। यस मतलब होने को कुछ भी हो सकता है ना, कोई वो ये डॉट नेट का कोई नेट नेट सिग्निफिकेंस थोड़े ना इसका कुछ, इट कैन बी एनीथिंग। डॉट सौरभ भी हो सकता है, राइट, करेक्ट डॉट करेक्ट मंदार भी हो सकता है। करेक्ट। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर एक एप्लीकेशन है होस्टेड, समझो एयरटेल का एप्लीकेशन है, तो वो डॉट एयरटेल को भी पॉइंट करता रहेगा, प्लस डॉट कॉम में भी रहेगा वो, वो ऐसा है। आपके डीएनएस सर्वर ऑथर, ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने उस डोमेन के लिए जो एप्लीकेशन है उसका नेम क्या है, किस नेम से आप उसको एक्सेस कराना चाहते हो, और उसकी एंट्री कहाँ पे ओके क्रिएट की हुई है आपने, है ना। क्योंकि अब मैं समझाऊंगा, जो आप आगे स्लाइड आएगी ना उसमें हम देखेंगे कि डीएनएस रेजोल्यूशन कैसे होता है, अच्छा ठीक है। ओके ओके नो इश्यूज। तो अब ये है कि F5 का अपना ऑथोरिटेटिव सर्वर रहेगा, डीएनएस सर्वर, सिस्को का अपना डीएनएस सर्वर रहेगा। अब या तो अपना डीएनएस सर्वर लगाएंगे ये लोग, या किसी थर्ड पार्टी से कराएंगे होस्टिंग, राइट। अब बहुत सारे थर्ड पार्टी भी है जो डोमेन होस्ट करते हैं, तो आपको अपना डीएनएस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे गोडैडी, रजिस्ट्रेशन तो खैर कराना ही पड़ता है भले ही आप अपना डीएनएस सर्वर लगाओ, बट ये थर्ड पार्टी है ना, गोडैडी हो गया, या देर आर मेनी मोर, AWS में भी जा करके आप अपना डोमेन होस्ट करा सकते हो, डोमेन रजिस्टर करा सकते हो, राइट। करेक्ट करेक्ट तो होता क्या है, अब ये तो समझ में आया आपको कि रूट डोमेन क्या है, फिर डोमेन क्या है, फिर उसके बाद सब डोमेन्स क्या है, ये तो क्लियर यस यस हुआ, ठीक यस है। हाँ हो गया। अच्छा, जो ये जो डोमेन्स हैं डॉट कॉम डॉट ईडीयू, या इनको टॉप लेवल डोमेन भी बोलते हैं, राइट, टॉप लेवल डोमेन TLD, उसके बाद आते हैं सब डोमेन्स, करेक्ट। तो सब डोमेन के अंदर फिर आ जाते हैं, फिर जोन्स भी आ जाते हैं, ध्यान रखना, राइट। सब डोमेन के अंदर क्या आ जाते हैं, जोन्स, जी है ना। जैसे FI.com एक सब डोमेन हो गया, भाई डॉट कॉम क्या एक डोमेन है ना, फिर FI.com को भी आप एक डोमेन बोल सकते हो, बट इट्स अ सब डोमेन ऑफ डॉट कॉम, करेक्ट। और उस सब डोमेन के अंदर आपके होते हैं फिर जोन, है ना, जैसे टैक हो गया, HR हो गया, करेक्ट, HR.FI.com या IT.FI.com। कई बार बना लेते हैं ना, डिफरेंट जोन्स होते हैं एक ही कंपनी के अंदर, जरूरी नहीं है बट रख सकते हो आप डिफरेंट जोन्स। अच्छा, LDNS, लोकल डीएनएस सर्वर्स, आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। जो लोकल डीएनएस सर्वर रहेगा उसी को LDNS बोलेंगे। जैसे आपके घर में अभी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, अगर आपने DHCP से IP लिया होगा ना, तो जो आपके डीएनएस सर्वर का IP रहेगा वो शायद आपके मॉडेम का ही IP रहेगा एज ए डीएनएस सर्वर, तो उसी को आप क्या बोलोगे, LDNS, लोकल डीएनएस, है ना। तो यूजुअली अ डीएनएस सर्वर इज प्लेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑन टू विच योर पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल नेटवर्क इज अटैच्ड, राइट। तो वही तो हुआ लोकल डीएनएस आपका, LDNS। रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है वो जरूरी है समझना आपके लिए। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आती है आपके कहाँ पे आती है, LDNS में। तो सबसे पहला तो यही काम होता है कि रिक्वेस्ट आपके LDNS पे आएगी। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक कोई डोमेन एक्सेस किया अपनी मशीन से, तो आपका जो मॉडेम है वहां पे आएगी मॉडेम, ये मॉडेम होगा आपका, कुछ भी हो सकता है, राउटर भी हो ओके सकता है जिसको आप ऐसे डीएनएस सर्वर यूटिलाइज कर सकते हो, या हो सकता है एक एक्चुअल डीएनएस सर्वर हो सकता है, एक एक्चुअल डीएनएस सर्वर हो, ये जो लोकल डीएनएस है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी हो सकता है ये। जब रिक्वेस्ट इसके पास आएगी तो ये देखेगा अपने कैश में, देखेगा क्या मेरे पास कैश में है क्या ये डीएनएस का रिस्पॉन्स, नहीं है तो फिर ये अपनी एंट्रीज को चेक करेगा, डेटाबेस चेक करेगा, डेटाबेस कैश दोनों में ही नहीं है, तो फिर अब ये यहाँ पे जाएगा रूट के पास, किसके पास जाएगा सर, रूट के लेकिन पास। अब आपका मोडेम, जो मोडेम होता है ना, मोडेम के पास रूट सर्वर की इंफॉर्मेशन होती नहीं है, रूट सर्वर की होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर है आपका, उसके पास होती है रूट सर्वर की इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं।
उसको पता होता है हु इज द रूट सर्वर, बट मोडेम के पास नहीं होती। मोडेम के ऊपर तो फॉरवर्डर लगा के रखते हैं, मोडेम के ऊपर क्या लगा के रखते हैं, फॉरवर्डर, कि उसके पास डीएनएस रिक्वेस्ट है, या तो वो रिस्पॉन्स दे देगा, नहीं तो अपने फॉरवर्डर को फॉरवर्ड कर देगा। तो फॉरवर्डर होता है आइडियली सर्विस प्रोवाइडर के आईपीस। मोडेम के ऊपर अगर आप देखोगे ना फॉरवर्डर्स, तो सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस सर्वर्स होते हैं फिर वो। अब मान लेते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर था जिसके पास ये डीएनएस क्वेरी आई, बट इसके पास इसका कोई आंसर नहीं था, ना इसके कैश में ना इसके डेटाबेस में। तब ये रूट के पास गया, तो रूट से ये पूछेगा कि भाई कैन आई गेट दी आईपी एड्रेस ऑफ ये जो है www.fi.com। तो रूट जो है वो डायरेक्टली आपके fi.com का आईपी एड्रेस नहीं देगा इसको, वो बताएगा टीएलडी का आईपी एड्रेस कि भाई ये टीएलडी के पास जाइए आप। तो ये देखेगा डॉट ओके कॉम, तो ये डॉट डॉट कॉम कॉम का के आईपी पास एड्रेस इसको दे देगा कि टीएलडी ये है, आप इसके पास जाइए। तो इसको मिल गया टीएलडी का आईपी, अब ये टीएलडी के पास गया कि भाई मेरे को fi.com का आईपी चाहिए। अब ये भी रिजोल्व करके नहीं देगा, ये देगा अब इसको रिस्पॉन्स में जो आपका ऑथोरिटेटिव सर्वर है ना fi.com का, ऑथोरिटेटिव सर्वर का या डीएनएस सर्वर जिसको हम बोलेंगे, उसका आईपी एड्रेस देगा कि भाई आप इसके पास जाइए। अब आप जाओगे fi.com जो डीएनएस सर्वर है उसके पास जाएंगे, वहां अब ये डेटाबेस कहाँ पे बना हुआ है, डॉट कॉम जो टीएलडी है ना, टीएलडी को पता होता है कि fi.com का जो ऑथोरिटेटिव सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, समझ रहे हैं आप। इसको हम ऑथोरिटेटिव सर्वर बोलेंगे, नेम सर्वर भी बोल लीजिए आप, डीएनएस सर्वर बोल लीजिए। तो उसका आईपी एड्रेस टीएलडी के पास होता है, जो टीएलडी सर्वर होता है ना आपका, वहां पे ये एंट्री होना जरूरी है। तो अब आप यहाँ पे आए फाइनली fi.com के पास, तब ये बताएगा कि अच्छा ये आईपी एड्रेस है fi.com पे जाने के लिए, ये मिला किसको, एलडीएनएस को, एलडीएनएस को कैश कर लेगा, कैश करने के बाद उसका रिस्पॉन्स किसको दे देगा, क्लाइंट मशीन को, इधर क्लाइंट भी इसको क्या कर लेगा, कैश कर लेगा कैश कर लेगा। इस डीएनएस रिस्पॉन्स को, और अब ये इस आईपी को हिट करेगा, करेक्ट। करेक्ट तो इसमें ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, चारों चीजें। एक तो आपका लोकल डीएनएस इन्वॉल्व हुआ, लोकल डीएनएस के पास अगर नहीं है कोई डेटाबेस में एंट्री, तो फिर ये गया आपके रूट के पास, रूट के पास नहीं है एंट्री तो फिर ये गया टीएलडी के पास, टीएलडी के पास एंट्री नहीं है तो फिर ये गया आपका किसके पास, मतलब टीएलडी किसका किसका आईपी एड्रेस दे देगा, आपके ऑथोरिटेटिव या जो नेम सर्वर आपका है जिसको डीएनएस सर्वर बोलोगे उसका आईपी एड्रेस ये देगा आपको। फिर आप वहां से रिजोल्व, आपको वहां से रेजोल्यूशन मिलेगा इसका। तो ये है रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो ओवरव्यू है ओवरऑल ये है, ठीक है जी। ओके सो बेसिकली ये पहले रूट के पास जाएगा, रूट के पास जाने के बाद वो जाएगा टीएलडी के करेक्ट पास, करेक्ट टीएलडी फिर टीएलडी उसे बताएगा कि अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर कौन सा है या यस मे बी कुड से सब डोमेन कौन सा है उसके अंडर। यस ओके और अगर उसके अंदर भी हमें कुछ चाहिए जैसे एचआर का डिपार्टमेंट है या टेक डिपार्टमेंट है तो तो वो यही अकॉर्डिंगली अथॉरिटेटिव, होगा, तो फिर यस वो जोन के पास हमें नहीं, डायरेक्ट करेगा जोन लेकिन इसी या पे उसका बढ़ते हैं आईपी। ना, हाँ जोन यहीं मतलब पे उसका बढ़ रहे हो, जोन का सर्वर का आईपी बता देगा वो एग्जैक्टली जोन का नहीं कौन सा है जोन वो। जो होते हैं ना सेम सर्वर पे ही बना के रखते हैं, सेम डीएनएस सर्वर पे, ठीक ओके तो ये टॉप टू है डाउन ऐसे आर्किटेक्चर है मतलब ऊपर से वो जी रेजोल्यूशन जी करके आता है। ओके ओके 100%। गॉट इट। इसके बाद नीचे आते हैं, इसमें अब कैशिंग होती है और उसमें टीटीएल का रोल होता है ना। अब टीटीएल ज्यादा बड़ा रखोगे प्रॉब्लम भी आ सकती है, और अच्छा भी है वो, जब कैशिंग होती है तो टीटीएल डिफाइंड होता है कि मैक्सिमम इतने टाइम के लिए आप इसको कैश करके रखोगे, राइट, उसके बाद वो एंट्री एक्सपायर हो जाएगी, टीटीएल एक्सपायर होने के बाद, करेक्ट। टीटीएल को बहुत ज्यादा बड़ा रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लीजिए वो डाउन हो गया ऑब्जेक्ट, रीचेबल नहीं है घूमते यूजिंग दैट रहेगा आईपी बाकी। एड्रेस, हाँ तो फिर वो उसी को ट्राई करेगा ना रीच करने के लिए। तो बिग आईपी डीएनएस की बात करोगे इम्प्लीमेंटेशन की, तो पहले तो बिग आईपी को ही डिप्लॉय करना होता है आपको, और फिर आप उसमें डीएनएस मॉड्यूल को आप एक्टिवेट कराते हैं, और इसको इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन बोलते हैं हम, जो ये परफॉर्म करता है, कौन, बिग आईपी डीएनएस। तो इट इज गोइंग टू बी एन इंटेलिजेंट डीएनएस सर्वर। अच्छा, अब बिग आईपी को आप ऐसे ऑथोरिटेटिव सर्वर भी यूज कर सकते हो, है ना, कैसे यूज कर सकते हो इसको आप, एज ए ऑथोरिटेटिव सर्वर। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई इंटरनेट यूजर है, तो वो पूरा प्रॉपर वही फॉलो करेगा ना, एलडीएनएस से रूट, रूट से टीएलडी, टीएलडी से फिर आप ऑथोरिटेटिव पे जाते हो। तो यहाँ इस जगह पे आप एफ आई डी एन एस को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते ही, ये तो मेन पर्पज हो गया ना F5, क्योंकि इंटरनेट से जब रिक्वेस्ट आती है ना डीएनएस रिक्वेस्ट, तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, अटैक भी होते हैं, तो उससे बचने के लिए बनाया गया है कि इसको F5 डीएनएस। तो एक तो ये एज ए ऑथोरिटेटिव सर्वर, या आप इसको नेम सर्वर जो भी बोलना चाहें बोल लीजिए, तो
इसको एज ए नेम सर्वर या ऑथोरिटेटिव सर्वर आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा, आप इसको एज ए एल डी एन एस भी यूज कर सकते हो। एल डी एन एस, लोकल डी एन एस, मान लीजिए जो इंटरनल यूजर्स हैं आपके, इंट्रानेट वाले, मतलब कंपनी के जो यूजर्स हैं, हाँ हाँ करेक्ट उन सभी का डीएनएस सर्वर आईपी किसका डाल दीजिए डायरेक्टली आप, बिग आईपी का। करेक्ट। तो जो इंटरनल यूजर्स हैं कंपनी के, उनके लिए तो ये एज एल डी एन एस ही काम करेगा ना, करेक्ट। हाँ तो करेक्ट, उसका मतलब इंटरनल जो भी उसके ये है, जो भी पोर्टल्स रहेंगे एम्प्लॉइज, या जो भी, हाँ, एम्प्लॉयज के लिए, तो वो लोकली रिजॉल्व करेगा, बट अगर हाँ कुछ एक्सटर्नल बाहर से भी आ रही डोमेन्स होंगी है। उसके पास रिक्वेस्ट, तो वो भी, और जो एक्सटर्नल डोमेन्स होंगे उनको भी रिजॉल्व करके दे देगा, बट उसके लिए फिर से वही प्रोसेस फॉलो होता है ना, रूट हाँ, रूट से टीएलडी फिर टीएलडी। है ओके ना, जो यहाँ पे आपका एलडीएनएस परफॉर्म कर रहा था, अब ये काम यही है, तो ये भी एलडीएनएस ही ना अभी भी, बस ये है कि करेक्ट, आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की जगह क्या लगा दिया, F5 का बिग F5। आईपी डीएनएस। करेक्ट। तो कुल मिला के बात यह है कि जब इंटरनल यूजर से रिक्वेस्ट आएगी उसको भी ये रिस्पॉन्ड कर सकता है, प्लस जो इंटरनेट यूजर से आएगी उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। मतलब आप अपने बिग आईपी डीएनएस को एज ए एल डीएनएस भी यूज कर सकते हैं, लोकल डीएनएस, एज ए ऑथोरिटेटिव या नेम डीएनएस भी यूज कर सकते हो। आया समझ में? दोनों हाँ तरीके से आप इसको यूज करेक्ट, कर सकते हो। तो ये है इसमें। अब डीएनएस रेजोल्यूशन डायग्नोस्टिक टूल्स की बात करोगे, तो एक तो डिग टूल यूज करते हैं हम, जो कि लिनक्स वगैरह में काफी फेमस भी होता है, वैसे विंडोज में भी कर सकते हो, बट डिग एक यूटिलिटी आपको इंस्टॉल करानी पड़ती है पहले विंडोज में, तभी ये काम करेगा। डिग से बेनिफिट ये है कि आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है डीएनएस का, तो ट्रबल शूटिंग में काफी हेल्प मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखोगे डिग स्पेस एट द रेट आईपी एड्रेस एंड देन उसका आईपी उसका नेम, ठीक। तो ये रिजॉल्व कराएगा कि ये जो है डीएनएस सर्वर है हमारा, और यहाँ से इसको रिजॉल्व करके देखिए, है ना, ये डीएनएस सर्वर का आईपी डाल दिया, करेक्ट। तो अब ये ये LDNS नहीं, ये डीएनएस सर्वर है, ईडीएनएस नहीं बोल रहा हूँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एनक्रिप्टेड डीएनएस। नहीं, आई एम सेइंग लोकल DNS होगा ना ये, तो मेरे लिए, अगर मेरी हाँ मशीन पे मैं कर ऑब्वियसली रहा हूँ। ओके ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये एलडीएनएस ही होगा, ठीक है। वैसे हाँ जरूरी नहीं है आपका एलडीएनएस हो, ये आपने तो बता दिया इसको कि ये डीएनएस सर्वर है और ये नेम है, इसको रिजॉल्व कराइए। ओके अब आपकी मशीन पे क्या डीएनएस सर्वर है, डजंट रियली मैटर। तो क्वेश्चन सेक्शन में ये है और आंसर सेक्शन में ये आया कि भाई ये आईपी एड्रेस है इसका। ऑथोरिटेटिव सर्वर जो है वो ये था, और एक पूरा इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे निकाल के आपको दे दिया, ठीक है। और ये ए एन एस भी दिया इसने, मतलब ये जो है इसके फ्लैग्स हैं, राइट, तो फ्लैग्स भी निकाल के दे दिए। सर्वर ये है और कितना टाइम लगा वो भी बता देगा ये आपको, क्वेरी टाइम 15 मिलीसेकंड्स में इसने रिजॉल्व करके दे दिया। तो ट्रबल शूटिंग में काफी हेल्प करता है डिग कमांड, क्योंकि कई बार बोलते हैं ना लेटेंसी ज्यादा रही है इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो कई बार डीएनएस का भी इश्यू हो सकता है वो, क्योंकि डीएनएस जितना जल्दी रिजोल्यूशन दे देगा, रिजॉल्व करके दे देगा आईपी एड्रेस, उतना जल्दी आप वो एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट करेंगे, करेक्ट। करेक्ट। तो जो ओवरऑल लेटेंसी होती है डीएनएस के ऊपर काफी डिपेंडेंसी होती है उसके ऊपर, तो डीएनएस का फास्ट रेजोल्यूशन परफॉर्म करना कंपलसरी है। एनएस लुकअप काफी यूज करेंगे हम, एक्सेलरेटिंग डीएनएस रेजोल्यूशन, तो उससे पहले हमें डीएनएस को सेटअप करना होगा, तभी तो हम डीएनएस जो F5 डीएनएस है उसके रेजोल्यूशन को एक्सेलरेट कर पाएंगे। तो वो देखना पड़ेगा हमें कि हम क्या क्या यहाँ पे फीचर्स को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ बिग आईपी डीएनएस की जब हम बात करते हैं तो इधर भी वैसे ही फीचर्स हैं, जैसे नॉर्मल LTM में था ना कि पैकेट आया तो मल्टीपल वर्चुअल सर्वर से भी मैच कर सकता था वो, तो मोस्ट स्पेसिफिक वर्चुअल सर्वर को मैच करता था ना वो, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो सेम यहाँ पे भी है, जब डीएनएस रिक्वेस्ट आती है ना किसी लिसनर के पास, जैसे वहां पे तो होता था वर्चुअल सर्वर LTM में, यहाँ पे बोलते हैं लिसनर, जैसे वहां पे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते थे LTM में, वैसा बिग आईपी डीएनएस में हम लिसनर क्रिएट करते हैं। यहाँ वर्चुअल सर्वर नहीं बोलोगे आप, लिसनर बोलोगे। ओके तो अगर मान लीजिए आपकी मशीन का आईपी एड्रेस वो है जो मेरे बिग आईपी डीएनएस पे लिसनर का आईपी है, तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएंगी आपके, बिग आईपी डीएनएस पे, और सिर्फ लिसनर ही लिसन करता है डीएनएस रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है।
अगर मान लीजिए एक डीएनएस रिक्वेस्ट आई और उसका डेस्टिनेशन आईपी लिसनर बिग आईपी डीएनएस के लिसनर आईपी से मैच नहीं हो रहा है, तो फिर वो डीएनएस रिक्वेस्ट डिस्कार्ड कर देगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा। जैसे वहां पे वर्चुअल सर्वर से मैच नहीं करेगा अगर पैकेट, तो डिस्कार्ड ही होगा ना वो पैकेट, प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा बिग आईपी एलटीएम आपका, राइट? तो सेम यहाँ पे होता है आपका लिसनर, ठीक है? तो जब लिसनर पे एक डीएनएस रिक्वेस्ट आती है, मान लीजिए आ गई, तो ये सबसे पहले वाइड आईपी देखता है, अगर वाइड आईपी है तो इंटेलिजेंट रेजोल्यूशन परफॉर्म करेगा। और ये ही इसीलिए यही एक रीजन है कि हम क्या यूज करते हैं बिग आईपी डीएनएस। ये जो वाइड आईपी है ना, बस यही एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से हम बिग आईपी डीएनएस यूज करते हैं, बाकी चीजें तो दूसरे सर्वर भी परफॉर्म कर ही लेते हैं। तो एज लॉन्ग एज देर इज ए देर वॉज ए वाइड आईपी एंट्री फॉर योर डोमेन, तो फिर वो वहीं से उसका रेजोल्यूशन करके दे देगा। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाइड आईपी को ही मिलती है। मान लीजिए एक ऐसी डीएनएस रिक्वेस्ट आई जिसके लिए वाइड आईपी नहीं मिला इसको, तो फिर ये देखेगा एक्सप्रेस जोन में, मतलब सीक्वेंस है ये, और इसी सीक्वेंस में ये कंपेयर करने वाला है। अगर यह एंट्री मिल जाती है तो रेजोल्यूशन करा देगा, नहीं मिली तो अब देखेगा कैश, कैश में या तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो फिर ये देखेगा रिजॉल्विंग कैश। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना, दैट इज ट्रांसपेरेंट कैश, इसको ट्रांसपेरेंट कैश भी बोलते हैं, नीचे आ जाएगी रिजॉल्विंग कैश। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको देखने वाली बात है। रिजॉल्विंग कैश आपकी तब बनती है जब आप रूट पे जाते हैं, रूट से फिर आप टीएलडी पे जाते हैं, टीएलडी से फिर आपको आपको आंसर कौन देगा फिर आगे, ऑथोरिटेटिव सर्वर यानी, तो ऑथोरिटेटिव उसको रिजॉल्विंग कैश बोलते हैं। जब उस एंट्री को ये मेंटेन करेगा तो वो रिजॉल्विंग कैश होगी। ट्रांसपेरेंट कैश होगी आपकी कब, जब आप कोई इंटरनल रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनल रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं और वो किसी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे एंट्री पड़ी हुई है, आपके एफआई पे आई, डीएनएस पे आई आपकी डीएनएस रिक्वेस्ट, और उसने फॉरवर्ड किया वो बैकएंड आपके माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डीएनएस सर्वर को, और वहां से रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स ने उसको कैश कर लिया, तो उसको ट्रांसपेरेंट कैश बोलते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर रहेगा तो उसको कैश वहां से उठा करके रिस्पॉन्स दे देगा, वो नहीं है तो रिजोल्वर कैश देखेगा, वहां पे भी नहीं है तो अब देखेगा क्या कोई पूल एसोसिएटेड है। पूल में क्या होते हैं आपके डीएनएस सर्वर्स, जो मेंबर होते हैं ना वो डीएनएस सर्वर होते हैं आपके। तो जो मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी भी बनाई, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एफ आई डीएनएस के पीछे दो माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर है, तो उनको एज ए पूल मेंबर यूज कर लेंगे। तो ये लोड बैलेंसिंग भी करा सकते हो आप पूल मेंबर बना के, तो लोड बैलेंसिंग करेगा। और अगर पूल भी एसोसिएटेड नहीं है तो फिर ये देखेगा कोई बाइंड रेजोल्यूशन तो नहीं है यहाँ पे, अगर बाइंड इनेबल्ड नहीं है तो फिर ये देखेगा कि लिसनर का जो आईपी है वो सेल्फ आईपी तो नहीं है, इट शुड नॉट बी है। तो अगर लिसनर सेल्फ आईपी नहीं है तो ये देखेगा कि जो लिसनर है हो सकता है वही आईपी एड्रेस किसी रियल डीएनएस सर्वर को दिया हुआ हो, तो वहां पे डीएनएस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। वैसे इन दोनों को, दोनों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमारी टोपोलॉजी में यहाँ करके फाइनल हो जाता है, और मैक्सिमम केस में यहाँ करके फाइनल हो जाता है यहाँ करके। वैसे तो इधर ही होगा सबसे ऊपर ही वाइड आईपी पे ही होगा, बट अगर नीचे तक जाओगे भी हमारी टोपोलॉजी में मैक्सिमम बस यहाँ तक जाएगा, क्योंकि पूल मेंबर, पूल तो एसोसिएट कराऊंगा ना मैं अपने लिसनर को, जब लिसनर बनाऊंगा ना तो पूल एसोसिएट कराऊंगा मैं। तो ये दो बैकएंड डीएनएस सर्वर्स हैं, लिसनर यहाँ पे बनेगा। अब जब लिसनर यहाँ पे बनेगा तो इन दोनों के बीच में लोड बैलेंसिंग करा दूंगा, कि अगर वाइड आईपी नहीं है, एक्सप्रेस जोन नहीं है, कुछ भी नहीं है तो लोड बैलेंसिंग हो जाए। तो मेरा जो जाएगा वो लोड बैलेंसिंग तक जाएगा मैक्सिमम। अब सवाल ये है कि इसको सेटअप कैसे करें बिग आईपी डीएनएस को इस टोपोलॉजी के हिसाब से, तो मैं एक काम करता हूँ इसको वाइप कर देता हूँ, करेक्ट, और फिर जीरो से स्टार्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। पूछना था ये जो पहले के दो क्राइटेरिया थे वाइड आईपी और डीएनएस एक्सप्रेस जोन, ये आप आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हो हाँ या ऑब्वियसली, तभी तो बोला मेरे को वाइड सिर्फ आईपी की वजह से, टर्मिनोलॉजी? तो वाइड आईपी की वजह से तो हम इसको यूज करते हैं, तो डोंट वरी, ये तो सब डिटेल में डिस्कस होगा। वाइड आईपी ही तो क्रिएट करोगे आने वाले टाइम में आप। ओके ओके, मुझे ये पता नहीं था टर्मिनोलॉजी, इसलिए हाँ मैंने नहीं अभी समझ गया चेकअप मैं, किया। पता होना भी नहीं, एक्सपेक्टेड ही नहीं है मुझे कोई बस मैंने बोल हाँ दिया अभी, बट मैं उसमें और ज्यादा डीप जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो तो टॉपिक है अपने आप में, तो एज ए टॉपिक हम उसको कवर करने वाले हैं। इसका कंसोल ले लेते हैं, अब हम आ गया होगा शायद, अब पावर ऑन ओके तो किया है। फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे, रूट न्यू पासवर्ड डालेंगे अब हम। मैनेजमेंट को डीएससीपी साईपी मिलना चाहिए, देख लेते हैं एक बार क्या आईपी में।
लिस्टसिस मैनेजमेंट आईपी, तो IP 30.250 कॉपी किया, इधर पेस्ट कर देते हैं। लॉगिन कर लीजिए गुई से। बाकी इस डायग्राम के हिसाब से इसको सेटअप कर देंगे। वेट कीजिए, शायद गुई सर्विसेज ना प्रॉपरली, एप्लीकेशन सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है इसकी। आपने लॉग इन किया नहीं? ओके, आई अपडेट थॉट स्क्रीन फ्रीज हो ना गया। ना ना, ओके ये पासवर्ड एक्सपायर्ड है तो चेंज कराएगा हमसे गुई में। एडमिन पासवर्ड को, ये जो रूट पासवर्ड आप सेट करते हो सेम एडमिन पासवर्ड हो जाता या है, बट उसको एज ए चेंज करना एक्सपायर्ड मार्क पड़ेगा। कर देता है। करेक्ट करेक्ट। तो अब हो गया लॉगिन आपका, अब हम इसको गुई से लॉगिन कर पाएंगे, बट मैं इसको सीएलआई से ही सेटअप करने वाला हूँ इनिशियली, या फिर इनिशियल सेटअप कर देते हैं गुई से, उसके बाद फिर सीएलआई से कर लूंगा सेटअप। नेक्स्ट कीजिए। सबसे पहला काम तो ये लाइसेंस का ही है, ठीक करेक्ट। है? तो कॉपी पेस्ट, और ये मैनुअली कर लीजिए, बेटर वही रहता है, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज फंस जाते हैं। अगर ऑटोमेटिक, वैसे अगर बिग आईपी के पास इंटरनेट एक्सेस होता है तो आप ऑटोमेटिक यूज कर कर सकते सकते हैं। हो। एक क्वेरी था, अगर हम लोग यूसीएस बैकअप से अगर रिस्टोर कर रहे हैं तो वो लाइसेंस भी रिस्टोर कर देता है ना बाय डिफॉल्ट? यूसीएस से यस, हाँ वो लाइसेंस भी लेकर के आएगा आपका। और अगर हम लोग उसके आगे जब अगर हम लोग समझो सीएलआई से कर रहे हैं तो उसमें नो लाइसेंस करके आई थिंक एक है कमांड, तो उससे आई थिंक वो अवॉइड करता है, राइट? यस यस, ओके, बाकी तो सर्टिफिकेट्स वगैरह कीज के साथ पूरा की उठाता है। वगैरह सब आ जाएंगे। ये मैंने लाइसेंस को पेस्ट किया और हो गया ये। थोड़ा सा रीस्टार्ट होगा अब ये, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको प्रोविजन करना पड़ेगा, राइट? ग्लोबल ट्रैफिक बिल्कुल, डीएनएस। ये वाला जो डीएनएस है ना, इसको आपको प्रोविजन करना होगा, और इसको आप कर दीजिए डेडिकेटेड। जैसे मान लीजिए मुझे एलटीएम का भी यूज ही नहीं करना है यहाँ पे, तो डेडिकेटेड कर दीजिए ना इसको। ओके नेक्स्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। अब जब भी ये चेंज होता है ना प्रोविजनिंग, ध्यान रखना, तो ये रिस्टार्ट होगा ही होगा। रिस्टार्ट। ओके जी या करेक्ट। मतलब कोई भी अगर हम लोग मॉड्यूल डालते हैं तो बॉक्स रिस्टार्ट रिबूट होगा, होगा। हाँ रिस्टार्ट होगा ही होगा वो। इन केस ऑफ वर्चुअलाइज्ड लाइक VP1 पे हमारा अगर VCMP है तो इस केस में वो सिर्फ वर्चुअल जो होस्ट रहेगा वही होगा, राइट? इट इज लिमिटेड टू दैट होस्ट ओनली। यहाँ यस, पे डायग्राम के हिसाब से हमें मैनेजमेंट आईपी रखना हाँ पड़ेगा। वो मैं डीएससीपी ही रखने वाला हूँ, ठीक है? होस्ट नेम ओके डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे डाला डीएनएस डॉट आईमेडिटा डॉट कॉम आप रख सकते हैं उसको, राइट? ओके और पासवर्ड डाल दीजिए, ये तो सेम वैसे ही है ना एलटीएम की तरह, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रोविजनिंग में हमने डीएनएस सेलेक्ट किया है, दैट्स इट, बाकी तो सब सेम है पहले की तरह। और अभी यहाँ पे फिनिश करेक्ट। ही कर देंगे हम यहाँ पे, ऐसा इसमें एनटीपी भी जरूरी रहता रहेगा, राइट? मैंडेटरी नहीं है। डीएनएस मॉड्यूल हो गया प्रोविजन, अब डायग्राम के हिसाब से तो इसको आईपी एड्रेसेस दे दीजिए, राइट? और दूसरी चीजें अब हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? टीएमएसएच में जाइए, एक तो 1.1 इंटरफेस है, एक 1.2 इंटरफेस है, दोनों के लिए एक तो दो वीलेन चाहिए हमें, राइट? कम से कम दो वीलेन तो बनानी होगी ना, तो यहाँ पे करेक्ट। क्रिएट नेटवर्क वीलेन, राइट? और एक्सटर्नल नाम से बना लीजिए यहाँ पे, और इंटरफेस एड 1.1, राइट? करेक्ट। दैट्स इट। टैग वीलेन 10 ले लें, राइट? चलेगा। उसके बाद क्रिएट नेट वीलेन इंटरनल इंटरनल इंटरफेस
1.2 एड एड 1.2 टैग 20। और टैग 20 ले लेते हैं, राइट। इसके बाद इंटरफेसिस को आईपी दे दीजिए। तो एक तो यहाँ पे तो डॉट वन लेंगे ऊपर, एक बार आईएसपी का आईपी एड्रेस देख लेते हैं। वैसे डॉट वन होना चाहिए आईएसपी एंड पे ना, तो डॉट टू हम शायद बिग आईपी पे देंगे, एक बार देख लेता हूँ फिर भी मैं। तो 0/2 पे 12.1, हाँ तो हमें डॉट टू देना है बिग आईपी डीएनएस पे। क्रिएट नेट सेल्फ, तो एक्सटर्नल आईपी दे देता हूँ पहले मैं, राइट। एक्सटर्नल अंडरस्कोर आईपी, और यहाँ पे आईपी एड्रेस 12.1.2 स्लैश वी लेन एक्सटर्नल, फिर क्लाउड सर्विसेज। मैं एक तो क्या डालें यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज में, डिफॉल्ट डाल देते हैं और क्या है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। वैसे नहीं भी रखोगे, नन भी रखोगे तो भी चलेगा मेरे को तो तो, ठीक चलेगा। है। वो कह रहा है इनवैलिड सेल्फ आईपी, ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। ऐसा है तो नहीं वैसे। लिस्ट नेट सेल्फ है ही नहीं कुछ, ऐसा एड्रेस डालना था यहाँ पे एक्चुअली ना। ऐसे एड्रेस कीवर्ड डालना था, वो शायद मिस किया हमने। तो वीलेन एक्सटर्नल और फिर यहाँ पे अलाउ सर्विसेज, नहीं भी दोगे तो भी ले लेना चाहिए। ओके नेट सेल्फ, फिर यहाँ पे इंटरनल आईपी डाल देता हूँ मैं, राइट। इंटरनल आईपी एड्रेस और वो रहेगा 191.68.50.1/24 एंड देन वी लेन इंटरनल रहेगा। इंटरनल तो लिस्ट नेट सेल्फ कर दीजिए। तो दोनों तो आईपीज आ गए हैं, देखिए। अब आउट भी ऐड कर दीजिए यहाँ पे, करेक्ट क्रिएट नेट राउट, डिफॉल्ट हाँ डिफॉल्ट। और यहाँ पे नेटवर्क डालिए, वो भी क्या लेंगे डिफॉल्ट, फिर गेटवे 12.1.1। तो .1.12.1.1 लिस्ट नेट राउट आ गया, डिफॉल्ट राउट है ना, तो डिफॉल्ट राउट आ गया है यहाँ पे, वो डायरेक्टली राउट है ही। तो शो आईपी राउट, शो नेट राउट, कम ऑन शो नेट राउट राउटिंग टेबल। तो एक तो डिफॉल्ट राउट आ गया, एक ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, ठीक करेक्ट। है। अब सेव सीज कॉन्फ़िग करना मैंडेटरी होता है, राइट। सीएलआई से चेंजेस को हमेशा सेव करना होगा। गुई में तो ये है कि आपने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस सेव हो जाते हैं। अब यहाँ से आप पिंग करा सकते हो, जैसे 50.10 को आप पिंग करा लीजिए, 50.20 को भी पिंग करा लीजिए, हो जाएगा। 10 और 20 ये डीएनएस बैकएंड सर्वर्स हैं। मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो बिग आईपी डीएनएस होता है ना, अब ठीक है यहाँ पे आपने नेटवर्क टैब वगैरह सेल्फ आईपी राउट्स वो सब तो सेट कर दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये चीज ध्यान रखना, जब तक लिसनर क्रिएट नहीं करोगे ना डीएनएस में, ये यहाँ पे एक डिलीवरी लिसनर होता है, लिसनर लिस्ट में जाएंगे ना, तो जब तक लिसनर लिस्ट क्रिएट नहीं करोगे तब तक ये लिसन नहीं करने वाला। तो मैंने ना एसपी को किसी इस तरीके से सेटअप किया है कि 770/24 के लिए ऑलरेडी स्टैटिक राउट डाला हुआ है एसपी के पास। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ओके एसपी के पास जाइए आप, दोबारा कंसोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक राउट डाला हुआ है, शो आईपी राउट स्टैटिक, आप देखिए 77 के लिए 12.1.2 की तरफ। तो ये सबनेट का ओके एक लिसनर आईपी ले लेते हैं बिग आईपी के पास। तो क्रिएट कीजिए लिसनर, जैसे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते थे ना, बट वर्चुअल सर्वर में क्या था, पूल अच्छा एसोसिएट करना लाइक वाज काइंड ऑफ मैंडेटरी। यहाँ मैंडेटरी नहीं है बट करना तो पड़ेगा इधर पूल, क्योंकि नहीं तो रेजोल्यूशन कैसे होगा। तो पूल तो यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
ये देखिए लिसनर, जब आप बनाते हो ना तो यहाँ पे पूल एसोसिएट करने का आपको ऑप्शन आएगा, ये देख रहे हैं आप डिफॉल्ट पूल यस जी। करेक्ट। तो पहले ना नोड ऐड करा लीजिए। ओके सो ये बेसिकली सेम वैसे प्रोसीजर है जैसे हम लोग समझो एप्लीकेशन सर्वर का है, नोड बनाते हैं फिर उसको पूल ऑलमोस्ट में ऐड वही है, करते हैं। बिल्कुल वैसे ये देखिए अब, ओके है ना। जैसे दो आपके पास बैकएंड डीएनएस सर्वर्स हैं, ओके तो अभी ओके क्या है, मेरे पास वाइड आईपी तो मैंने क्रिएट किए नहीं है अभी। वाइड आईपी मतलब बिग आईपी डीएनएस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो अभी मैं एज ए ब्रिज, एज ए प्रॉक्सी इसको यूज करना चाहता हूँ कि मेरी डीएनएस रिक्वेस्ट आई बिग आईपी डीएनएस पे, और डीएनएस उसको आगे बैकएंड जो आपके माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर से उनको फॉरवर्ड कर दे, और वो रेजोल्यूशन करके दे ओके वापस बिग आईपी डीएनएस को, बिग आईपी डीएनएस नीचे क्लाइंट को दे दे। समझ रहे हैं आप? ओके ओके तो उसके लिए अभी आप, क्योंकि जब आप माइग्रेशन करते हो ना, तो इनिशियली जब आप बिग आईपी डीएनएस को डिप्लॉय करेंगे तो नॉर्मल एज ए लोड बैलेंसर डिप्लॉय करने वाले हैं आप, करेक्ट। करेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे आप एप्लीकेशंस को मूव करते रहेंगे ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर से बिग आईपी डीएनएस के बाद। बट इनिशियली तो आप ये चाहोगे कि रिक्वेस्ट जो आ रही है वो ड्रॉप ना हो, वो रिजॉल्व होती रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिलीवरी में जाइए। डिलीवरी में यहाँ पर लिसनर्स होता है डिलीवरी में, और नीचे ना एक लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन होता है। लोड बैलेंसिंग वाले ऑप्शन में नोड का ऑप्शन होगा, तो नोड ऐड कर लीजिए आप, है ना। से क्रिएट सर्वर वन, और सर्वर वन का जो एड्रेस है वो रहेगा 50.10, ठीक है। इसको आप रिपीट कर लीजिए, सर्वर टू बना दीजिए, फिर सर्वर टू, और ये 50.20 आप ले लीजिए। आगे दोनों डिफॉल्ट मॉनिटर लगाना है ना, तो वो भी लगा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। जैसे आईसीएमपी लोगे आप अगर, यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, तो नोड का जो स्टेटस है वो अब ओके हो जाएगा। के बाद पूल बनाएंगे तो वहीं पे लोड बैलेंसिंग में पूल का ऑप्शन है ये, क्रिएट। जैसे आपने डाला यहाँ पे डीएनएस सर्वर पूल, है ना। ओके ले लीजिए मॉनिटर अगर चाहिए तो, बाकी तो नोड लिस्ट में जा करके सर्वर वन पोर्ट 53 ले लीजिए, है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 53 खुद से डाल देना आप, ऐड कीजिए। और फिर यहाँ पे सर्वर टू को ले लीजिए, उसको भी ऐड करा लीजिए। हो गए दोनों ऐड, सर्वर वन टू दोनों फिनिश कर दीजिए, तो ये पूल बन गया अब आपका। में एक चीज था कि हम जैसे वर्चुअल सर्वर में उसमें सॉरी एलटीएम में जब हम पूल बनाते हैं तो उसमें हेल्थ मॉनिटर में एचटीटीपी का एक स्पेसिफिक हेल्थ मॉनिटर रहता था, जी बट इस केस में उस डीएनएस के सर्विस के लिए कोई हेल्थ मॉनिटर नहीं है करेक्ट। नहीं, बना सकते हो ना आप हेल्थ मॉनिटर यहाँ पे। देखिए आप जाइए इस पूल में, तो जब मॉनिटर वो तभी वही दिखाई देंगे जो आपने बनाए होंगे यहाँ पे। ये डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए। तो डीएनएस का बना लीजिए आप, यूडीबी बेस्ड एक हेल्थ अच्छा फिर मॉनिटर, वहां से इसको ओके 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 बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम मिस कर गए थे, जो पूल होता है ना ये बिग आईपी डीएनएस पे, यहाँ पे कुछ चीजें आपको मॉडिफाई करनी पड़ती हैं एडवांस में जा करके। ये एडवांस देख रहे हैं आप, हाँ ठीक है। तो अलाउ एस नेट वगैरह तो ठीक है, हाँ यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूल तो ठीक है। तो देखिए लिसनर बनाना होगा आपको, तो लिसनर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है जो आपने पहले कभी नहीं की थी। तो लिसनर को नेम दे दीजिए, जैसे आपने डाला यहाँ पे डीएनएस लिसनर वन, है ना। इसका जो आईपी एड्रेस है मैं डाल देता हूँ 7 वाली सीरीज में, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे तो 7.7.7 डाल देता हूँ। मान लीजिए जैसे वर्चुअल सर्वर का आईपी होता है वैसे लिसनर का डालेंगे। अब इसमें क्या है, ये लिसनर जब आपने बनाया तो एक तो बेसिक वाला ऑप्शन है, एक एडवांस आएगा, ठीक है। लिसनर का आगे एक तो बेसिक होता है ना बाय डिफॉल्ट, तो बेसिक में आपको सारे ऑप्शंस डिस्प्ले होते नहीं है, तो आप एडवांस में जाना। पर एडवांस में जब आप देखोगे तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको बड़ी अजीब लगेंगी, जैसे एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट ट्रांसलेशन बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल्ड। डिसेबल
इसका मतलब ये हुआ कि ये बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन करता नहीं है। जैसे वहां पे क्या होता था, एलटीएम में आपने वर्चुअल सर्वर को हिट किया, फिर जब पूल मेंबर सेलेक्ट होगा वो पूल मेंबर के आईपी में ऑटो ट्रांसलेशन थी ना वहां पे, सोर्स करेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं था बट डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट करता था वो ऑटोमेटिकली। सोर्स को ट्रांसलेट करने के लिए एसनेट इनेबल करना पड़ता था, वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा अगर जरूरत है तो आपको, ठीक है। बट यहाँ पे तो डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट को भी ट्रांसलेट नहीं करता ना ये, तो जरूरी है कि उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है, मैंडेटरी है। और अगर चाहो तो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन पे भी क्या कर सकते हो आप, ऑटोमैप चाहो तो। मान लीजिए ऑटोमैप आपके जो बैकएंड डीएनएस सर्वर है वहां पे क्या नहीं है, डिफॉल्ट गेटवे नहीं है, रिवर्स राउट गेटवे नहीं है, तो आप ऑटोमैपिंग कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद नीचे ओके डिफॉल्ट पूल में आकर के अपना पूल कॉल कर लेना। परसिस्टेंस अभी बताऊंगा नहीं आपको, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका आपने किया। वैसे अगर चाहते तो यहाँ पे एक आई रूल बना सकते थे जिसमें आप बता सकते हो कि भाई कोई भी डीएनएस रिक्वेस्ट आए रिस्पॉन्स में मैं यही आईपी देने वाला हूँ, बताऊंगा वो आई रूल वाला भी बता दूंगा। बट फिलहाल आप ये देखिए, फिनिश कीजिए। हो गया फिनिश, ये लिसनर बन गया अब आपका यहाँ पे, ठीक है। इसका आईपी है 7.7.7, ये क्लाइंट पीसी है आपका। इस क्लाइंट पीसी पे जाइए अब आप। इसका जो डीएनएस सर्वर आईपी रहेगा ना अब, वो क्या होना चाहिए, 7.7.7 जो लिसनर का आईपी एड्रेस है ना वहां पे। तो मैं अब यहाँ पे हाँ बिग आईपी को एज ए एलडीएनएस यूज कर रहा हूँ, एज ए करेक्ट एडियंस लोकल एलडीएनएस डियंस यूज करूंगा। यस, तो अगर आप देखोगे तो डीएनएस का आईपी है यहाँ पे 7.7.7 प्री कन्फिगर्ड, करेक्ट, ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डीएनएस सर्वर का। हाँ यस तो एनएस लुकअप करा लीजिए अब आप यहाँ पे, जैसे एनएस लुकअप कराइए www.imerita.com के लिए, तो रेजोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। हो गया, दो आईपी मिले है ओके ना, अगर आप देखोगे 6.6.6 और 5.5.5, ये दोनों मिले आपके, आपको देख सकते हो यहाँ पे आईपीज आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे www.trainonic का भी निकालोगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होस्ट एंट्री क्रिएट की हुई है जो बैकएंड डीएनएस सर्वर्स है ना वहां पे, अच्छा अब इसकी नहीं है तो ये नहीं हुआ रिजॉल्व, ठीक है। बट अगर आप देखोगे hr.imerita.com, एनएस लुकअप hr.imerita.com को देखिए, ये हो जाएगा रिजॉल्व। या आईटी को देखोगे तो वो भी हो जाएगा, डिफरेंट आईपी आया ना इस बार, हाँ it.imerita.com, तो ये सिक्स भी हो डॉट वन जाएगा, फाइव डॉट वन है ना। ओके तो ये बात सिक्स तो सिक्स है। सिक्स टू 5552 आ गया, करेक्ट। करेक्ट तो ये जो डीएनएस एंट्रीज है ना, ये यहाँ पे बनाई हुई है, ये बैक एंड डीएनएस सर्वर पे। अगर आप जाओगे अब यहाँ पे, मान लीजिए आप जाते हो, तो यहाँ अगर आप डीएनएस ओपन करते हो तो आपको दिखेगा डीएनएस सर्वर ऑलरेडी बना हुआ है। देखो डीएनएस सर्विस चली हुई है ना यहाँ पे, फॉरवर्ड लुकअप करेक्ट जोन है imerita.com, तो यहाँ पे HR IT है ना, दिख रहे हैं ये WW, करेक्ट करेक्ट। तो ये एंट्रीज ऑलरेडी हैं, और खाली यही नहीं है, दूसरे डीएनएस सर्वर पे भी है। तो किसी पे भी लैंडिंग हो डीएनएस रिक्वेस्ट की, वो दोनों ही उसको क्या कर देंगे, प्रोसेस करेंगे, राइट। करेक्ट। तो फिलहाल ये लिसनर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो पीछे बैकएंड में डीएनएस सर्वर के पास भेज रहे हैं यस, करेक्ट, बट आगे जाके ये रिजॉल्व खुद करेगा। खुद करेगा ऑब्वियसली उस ओके तरीके से हम इसको ओके सेटअप करेंगे। ओके तो यहाँ फिलहाल अगर आप डीएनएस देखोगे, यहाँ भी होना चाहिए डीएनएस, ये देखिए डीएनएस ऑलरेडी है फॉर लुकअप जोन में imerita.com, ये है, और यहाँ पे भी वो ITHR वाली एंट्री क्रिएटेड है, राइट। तो किसी भी डीएनएस सर्वर पे ओके रिक्वेस्ट जाए ये रिजॉल्व तो कर ही देंगे, और वही हो भी रहा है कि ये रिजोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। ये बिग आईपी डीएनएस पे आप देख सकते हो, जैसे लिसनर पे आप गए, इसके इसमें भी स्टेटिस्टिक्स में स्टैट्स जाइए आप, तो ये ओके दिखाएगा आपको कि कितने पैकेट इन आउट हुए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जाएंगे डीएनएस डिलीवरी और लोड बैलेंसिंग पूल्स में जाइए, तो पूल में आपको दिखा देगा स्टैटिस्टिक्स कितने गए कहाँ पे गए, है ना, दिखा दिया ना। ओके सिमिलर लाइक वर्चुअल सर्वर जैसे ही है हाँ कि बिल्कुल पूल वैसे कौन सही से है मेंबर यहाँ के तक पास तो, जा रहे हैं। हाँ यहाँ तक तो ओके वैसे ही आपको ये दिखाई देगा, एग्जैक्ट सिमिलर, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं बाहर ले आता हूँ इसको, ठीक है।
तो ये तो हो गया कि किस तरीके से आपने इसको लिसनर को क्रिएट किया, फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लोड बैलेंसिंग के बाद में फिर हमने देखा यहाँ पे कि ट्रांसलेशन इनेबल करना वाज मैंडेटरी, बताया था ना मैंने आपको अभी कि हाँ ट्रांसलेशन क्यों मैंडेटरी है, राइट? तो बताया था आपको कि किस तरीके से वो आप देखोगे यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक दो कमांड्स और चला सकते हो आप इसमें, ठीक है? जैसे कि अगर आप देखोगे, ये तो ISP हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि show LTM DNS pool, राइट? तो पूल आप देख सकते हो, दो हैं, बिट्स इन बिट्स आउट, वो सब देखा ना आपने यहाँ पे, मेंबर भी देख सकते हो, ठीक है, मेंबर भी देख सकते थे आप यहाँ पे। शो LTM DNS, वो देखा हमने पूल को, पूल देखने के बाद में उसका डिटेल आप मेंबर से भी निकाल सकते हो, मेंबर्स भी निकाल सकते हो ना आप, वो दिखा देगा यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, तो हर एक मेंबर पे कितने रिक्वेस्ट गए, कितने है ना, वो सब दिखा देगा आपको, करेक्ट? तो मेंबर 1 मेंबर 2 दोनों का दिखा दिया इसने। तो बाकी यहाँ पे अगर आप चाहो कि एक स्पेसिफिक आईपी दे रेस्पॉन्स में, तो वो भी आप कर सकते थे। कैसे? खाली मैंने बताया ना आपको एक क्या बनाना था, एक छोटा सा आई रूल, राइट? अच्छा, ये जो पूल आपने बनाया है यहाँ पे, पूल क्या था आपका? DNS सर्वर पूल, डिटेल भी निकाल सकते हो आप इसकी ऐसे, तो वही है सारी चीजें, है ना? जो पहले दिखाया उसी का डिटेल है, बाकी तो सेम ही है। दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. तो फिर हाँ, नहीं, वैसे कर लेते हैं. अगर आपको अर्जेंसी है कि नहीं अभी सीखना, आपको मान लो लेट से यू नीड इट टू डिप्लॉय इन प्रोडक्शन, तो वी कैन कंटिन्यू। नहीं मैं तो वैसे भी इसको नेक्स्ट नहीं फिलहाल मेरी कोई अर्जेंसी नहीं है. जीटीएम के रिलेटेड अच्छा, मेरा ओके, एलटीएम से रिलेटेड था, वो तो कवर हो गया अपना. चलो, गुड गुड गुड। तो तो वो फिर कर ऐसा पाए मतलब ना आप अपना, अब हेल्पफुल तो रहा होगा ना सेशन लगाना LTM के। हाँ, हेल्पफुल तो बहुत रहा. तो मतलब मुझे क्लैरिटी आ गई थोड़ी, और थोड़ा सा और सीखने लायक भी है. मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल वीएम पे है. मैंने थोड़ा चेक किया, जो कस्टमर है ना जिसके पास पूरा एक्सेस है, हाँ, तो वो VCMP होस्ट चला रहा है, आई थिंक वो विप्रियॉन आपको है. फिर विप्रियोन पे काम करना पड़ेगा। हाँ, तो तो फिर वो उस उसने विप्रियोन में क्या है कि हम दिखा नहीं सकते उसको, दैट इज टू एक्सपेंसिव बॉक्स, राइट? बहुत एक्सपेंसिव बॉक्स है, तो इसलिए हमें वर्चुअल एडिशन पे ही कराना पड़ता है। हाँ, करेक्ट तो विप्रियोन में आपको बस दो चीजें ध्यान में रखनी है कि विप्रियोन में एक करेक्ट तो होता है होस्ट का एक्सेस, जो कि डब्बे का एक्सेस मिलेगा आपको, जहां से आपको जितने भी VCMP गेस्ट होंगे ना, या आप VCMP जो जितने भी मतलब जो आपके VMs होंगे, वो सारे आपको वहां से विजिबल होंगे, किसको कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड है, वो सारी करेक्ट चीजें। एक तो चेसी हो गई, और दूसरा होगा कि हर एक होस्ट के अंदर जो VM आपने जो आपने VMs होस्ट की है ना आप, उसका एक्सेस आपको अलग से मिलेगा। ओके हाँ, तो इसमें मतलब दो तीन चीजें हो जाती हैं ध्यान में देने। वैसे वैसा ही है कुछ जो कोर आता है ऐसे ही, आजकल इन्होंने आर ये निकाली है ना अपना आर सीरीज, सीरीज. आर हाँ 4000, वो भी वैसे ही सही है, बस ओके इसमें भी जो होस्ट है वो FIOS रन होता है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर आपको वर्चुअलाइजेशन करके अपने बिग आईपीस को डिप्लॉय करना होता है, तो सेम तरीका है। तो उसमें कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि आप कुछ उल्टा सीधा ना करो, स्पेशली कब, जब आप VMs को अपग्रेड करते हो या होस्ट को अपग्रेड करते हो ना, तो काफी डिपेंडेंसीज होती है एक दूसरे के ऊपर, वो अपग्रेडेशन प्रोसेस थोड़ा सा उसका थोड़ा क्रिटिकल है, स्पेशली जब आप चेसी अपग्रेड करते हो ना, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा, हाँ, उसमें क्या है कि आपको टैग का सपोर्ट लेना पड़ता है F5 टैग का,
उसको इंगेज करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, ओके उनके साथ डिस्कस करते हैं। मैं तो खैर, हम हमारे कस्टमर के पास तो एडवांस सर्विसेज का एक्सेस था F5 की, तो मैं तो एडवांस सर्विसेज को ही बैठा लेता था अपने साथ इस तरह के मेजर मेजर इंसिडेंट्स के लिए। मतलब ये मेजर में ही आएगा ना कि आप चेसी अपग्रेड कर रहे करेक्ट हैं, क्योंकि एक चेसी पे एक करेक्ट तो बिग आईपी होता नहीं है, देर आर मेनी, है ना। मल्टीपल होते बराबर तो उस केस में मैं हमेशा एडवांस सर्विसेज के साथ ही बैठता था फिर F5 की, और वो लोग भी होते थे कॉल पे, क्लाइंट भी होता था और मैं वो काम परफॉर्म कर रहा होता था। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या है कि थोड़ा डर लगता है, बिकॉज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर रनिंग ऑन ए सिंगल बॉक्स, राइट। सर्विस ऐसे बहुत सारी चलती रहती है। हाँ, तो वो ये है। हाँ मेरे केस में ना उन्होंने कैसे किया है, बॉक्स नया है ठीक है, उसमें दो उसने वीएम चला के रखे, एक है इंटरनल फेसिंग एक है एक्सटर्नल। हाँ तो इंटरनल तो प्रोडक्शन में, एक्सटर्नल तो अभी खेलने के लिए दिया हुआ है मुझे, मतलब अच्छा ऐसे अच्छा कुछ भी नहीं अच्छा है एकदम खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है उस पर। मैंने मरे से उसने पहले चेक करवाया, एक वाचो सर्वो बना के दिखाया, बोला बना के दिखा मुझे इस पर, तो दिया उसको बना के। तो मैंने उसको प्रपोज किया कि ये सब क्यों करो एक एक करके, एपीएम भी पूरा कॉन्फिगर करना उस पर। तो मैंने उसको यूसीएस वाला आइडिया बताया, तो उसको समझ में आ गया। तो अभी वो बोलता है ठीक है तू कर तेरे हिसाब से। तो 15 वर्जन पे था तो उसे मैंने 13 पे लाया अभी ठीक है, अच्छा उसको डाउनग्रेड करके। अब मुझे खाली यूसीएस लेके उस पर रिस्टोर मारना है। तो मैं उसको वही पूछ रहा था कि मुझे विलेन टैगिंग हटानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों आईपी सेम हो जाएंगे इंटरनल वाले। इधर से अगर मैं यूसीएस बैकअप लूंगा एग्जिस्टिंग वाले का तो वही उस पे आ जाएगा ट्रू। सेल्फ आईपीज। तो मैंने सोचा था कि अगर वीएम मतलब अपना कुछ वर्चुअल पे रहेगा, तो जैसे ESXi पे है या मतलब कोई होस्ट है, तो उसका वीलैन टैग हटा दूंगा, बट मुझे वो मिल नहीं रहा था। फिर उसने बताया कि भाई ये वीसीएमपी है, तो उसमें जाके देखा मैंने, वहाँ पे वीलैन असाइन करते हैं, ट्रू। तो वो जो मेजर, सेम जो वीलैन। मेन मशीन है ना, प्राइमरी होस्ट, क्योंकि इसमें एक तो VCMP होस्ट रहे, ये अपना एक तो होस्ट मशीन हो गई और एक ये गेस्ट हो गई। तो हाँ गेस्ट हो गए होस्ट पे आपको VLAN असाइनमेंट करना होता है गेस्ट के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो वो हटाने हैं मुझे, मतलब मैं समझ गया वो, फिर वो हटाने के बाद अगर मैं उसको रिस्टोर मारूंगा तो फिर वो चलेगा नहीं ना, मतलब कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। फिर मैं हाँ, जाके कमांड लाइन से उसके चेंज कर दूंगा आईपी, सेल्फ आईपी, फ्लोटिंग आईपी जितने नहीं भी तो है। दूसरा तरीका ये भी है ना, आप इंटरनल वाले का CLI बैकअप ले लो ना, और हाँ उसके लिए CLI, सीएलएसई नहीं वो कहीं UCS क्यों भी बैकअप मत कंसोल। लो, UCS बैकअप मत अच्छा लो, अच्छा 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 ओके 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 CLI बैकअप लो कमांड्स का, और जो जरूरी है वो एडिट करके और उसको पेस्ट मार दो उधर जाके। भाई आपको सर्टिफिकेट और की तो चाहिए नहीं, आइडियली हम UCS इसीलिए लेते हैं कि उसके साथ सर्टिफिकेट कीज वो सारा बैकअप आ जाता है, करेक्ट। मुझे चाहिए वो, मुझे वो चाहिए। अच्छा, उनको क्या है ना, सर्टिफिकेट और की भी चाहिए। ओके सर्टिफिकेट की भी चाहिए, एपीएम भी पूरा लेके उठा के वहां पे डालना, क्योंकि बहुत है उसमें। समझा समझा समझा, फिर तो इसके लिए यूसीएस के लिए जा रहा हूँ मैं, और रिस्टोर मार जा कर रहा हूँ ऑब्वियसली डायरेक्ट। नो लाइसेंस करके मार दूंगा। तो इसका लाइसेंस ऑलरेडी है, ये बॉक्स हाँ, ऑलरेडी है, प्रोविजन फिर तो किया हुआ है। आपको हाँ UCS ही चाहिए, फिर तो और कोई तरीका नहीं आपके थोड़ा पास। ट्रिकी है लेकिन सीखने मिलेगा, और आई एम हैप्पी कि मुझे वीसीएमपी मतलब वैसे नॉर्मल वीएम बेस नहीं मिला, वीसीएमपी मिला, तो सीखने भी मिलेगा कि उसने हाँ, बताया कि प्रोविजन करना है, तुम्हें रिसोर्स अलोकेट करना है, कॉन्फिगर करना है, उसके बाद वापस डिप्लॉय भी करना है उसे। ट्रू। तो ये हमें ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ऐसे सीखते वक्त नहीं मिल सकता, ऐसे हाँ, प्रैक्टिकल में जीरो से नहीं मिलेगा, स्क्रैच से बहुत कम देखने नहीं। को मिलता है ना, वो तभी आता है जब आप कुछ नया डिप्लॉय कर रहे होते हो।